हमारी आजादी के क्यों चैलेंज कर दिया गया है, हमारी हाकमियत आला और हमारी सिक्योरिटी, सॉवरेंटी एंड सिक्योरिटी बोथ स्टैंड जेपर्डाइज्ड टुडे, और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी सूरत में भी। आज अब ये फैसले का वक्त आ गया, फैसले की घड़ी आन पहुंची। हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं? मुकाबला करेंगे, डट के खड़े रहेंगे। हम गरीब हैं, बेसर सामान है, लेकिन गरीबी और बेसर आसमानी जो है उसकी वजह यह नहीं कि आप आजादी आपकी छीन ली जाए, आपका वकार, आपकी इज्जत, आपकी हमियत। अगर पाकिस्तान को एक नर्म इनकलाब के जरिए से तब्दीली लानी है तो मैं बहुत सोच समझ के ये बात करने जा रहा हूं। पहले तो अमेरिका को नो कह दें, डिफाई कर दें उसको, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता आपका। और अगर कहें कि हमारे पास पैसे नहीं है तो फिर कल इंडिया हम पे चढ़ दौड़ेगा तो क्या कहेंगे? जो हमारे तो पैसे कोई नहीं है, हम तो जंग नहीं लड़ सकते, क्या ऐसा करेंगे? हम नहीं करेंगे ना, लड़ेंगे ना, जो भी कुछ है इसके साथ लड़ेंगे। तो ये हमारे इख्तियार में है, उनको बताना होगा। ये काउबॉय हैं, ये आपको धमकियां देते रहेंगे, आपको इनके सामने खड़ा होना पड़ेगा और उसके बाद ये भाग जाएंगे। इनका अपना मुहावरा है, इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम। और गैरत है बड़ी चीज जहाने तक उदाव में, गैरत। फकरे गयूर अल्लाह ताला ने कहा है, दीन जो है हमारा फकरे गयूर है। गैरत है बड़ी चीज जहाने तक उदाव में, पहनाती है दरवेश को ताजे तरेदार। ये मामले गैरत के हैं, आजादी के हैं, और आजादी हम अपनी जरूर हासिल करेंगे जो तुमने छीनने की कोशिश की है। आजादी की तहरीकों को रोका नहीं जा सकता किसी सूरत में। पीपल्स पावर जो है, जब वो बरूए कार आती है और पीपल्स पावर जो है वो खुद पाकिस्तान के अंदर अब उभरने के लिए तैयार है, आमादा है। नौजवान जो हैं मुतलाशी हैं हमारे, इंशाल्लाह।